इंटरमीडियंट फास्टिंग एक बहुत ही पॉपुलर मेथड है जो आजकल सब लोग यूज़ कर रहे हैं अपने वेट लॉस के लिए। बट बहुत से लोग अभी भी कंफ्यूज है कि इंटरमीडियंट फास्टिंग क्या होता है, कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपकी कंफ्यूजन क्लियर कर देने वाला हूँ कि इंटरमीडियंट फास्टिंग क्या है और कौन सी टाइप के इंटरमीडियंट फास्टिंग होते हैं। बेसिकली इंटरमीडियंट फास्टिंग आपके खाना खाने का पैटर्न है, जहाँ फास्टिंग यानी उपवास और खाने का जो पीरियड होता है, जो टाइम होता है, उसके रूटीन्स फॉलो करने होते हैं। इंटरमीडियंट फास्टिंग में आपको जो खाना है वो आप खा सकते हो। इंटरमीडियंट फास्टिंग में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप क्या खाते हो, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि आप कब खाते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक नॉर्मल पर्सन सुबह 7-8 बजे उठता है तो रात को 10-11 बजे अपने सोने से पहले तक वो बहुत टाइप के मील इनटेक करता है, जैसे लंच करता है, डिनर करता है, ब्रेकफास्ट करता है, शाम को नाश्ता करता है। मीन्स आप दिन में 15-16 घंटा कुछ ना कुछ खाते रहते हो और रात को जब 7-8 घंटा सोते हो तभी आप फास्ट कर रहे होते हो। बस इंटरमीडियंट फास्टिंग में आपको यही करना है, लेकिन जो आप फास्ट कर रहे हो उसका टाइमिंग थोड़ा बढ़ा देना है। कैसे बढ़ाना है वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। तो हमारे सेकंड पॉइंट पे आते हैं, टाइप्स ऑफ इंटरमीडियंट फास्टिंग। इंटरमीडियंट फास्टिंग के बहुत प्रकार है। मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट टाइप के बारे में बताऊंगा जो आपको जानने चाहिए। सबसे पहली मेथड है 16:8 मेथड। जैसे इसका नाम है 16:8, पता लग जाता है हमें इसमें 16 आवर्स फास्ट करना है, 8 आवर्स का जो टाइम फ्रेम है उसमें खाना है। जनरली बहुत से लोग 2-3 मील्स लेते हैं, आपको जितने लेने हैं वो हिसाब से आप ले सकते हो। बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड या हाई कैलोरिक फूड आप इनटेक करोगे तो अच्छे और इफेक्टिव रिजल्ट्स आपको देखने नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह 8 बजे उठते हो तो आप दोपहर 12 बजे से रात को 8 बजे तक खा सकते हो। इन शॉर्ट, आपका ब्रेकफास्ट स्किप होगा। फिर आफ्टर 8 PM टू नेक्स्ट डे 12 PM तक आपको फास्ट करना है। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, आपका जो टाइम शेड्यूल है वो हिसाब से आप टाइम सेट कर सकते हो। बस आपका एट ए स्ट्रेच 16 आवर्स का फास्ट होना चाहिए। इन 16 आवर्स में आप पानी, ब्लैक कॉफ़ी या जीरो कैलोरिक ड्रिंक पी सकते हो। जो दूसरा मेथड है वो है ईट स्टॉप ईट। इसमें आपको एक दिन खाना है और नेक्स्ट डे फास्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मंडे रात को हमारा लास्ट मील 9 बजे लेते हैं तो हम उसके बाद वाला मील डायरेक्ट ट्यूजडे रात को 9 बजे लेना है। इन शॉर्ट, 24 आवर्स उपवास करना है। ये वाला जो मेथड है आप वीक में 1 से 2 बार ही करें, वो भी गैप लेकर करें। ये वाला थोड़ा एडवांस है, लेकिन बिगनर पहले ये वाला मेथड करे थर्ड वाले मेथड करने से पहले। थर्ड मेथड है वो है ऑल्टरनेटिव फास्ट मेथड। इसमें आपको एवरी ऑल्टरनेट डे फास्ट रखना है, तो जो दूसरा मेथड है उससे काफ़ी सिमिलर मेथड है। दूसरे मेथड में वीक में 1-2 बार करना है गैप लेके। इसमें आपको एवरी 1 डे स्किप करके नेक्स्ट डे करना है। गाइज, ये मेथड मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता हूँ, स्पेशली बिगिनर्स तो ना ही करें। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे वॉरियर डाइट है, स्पॉन्टेनियस मील स्किपिंग है, लेकिन ये मेथड मुझे इतने इफेक्टफुल नहीं लगते, इसलिए मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता हूँ। सबसे बेस्ट मेथड जो है वो है 16:8 मेथड। अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हो, साथ में वर्क लाइफ बैलेंस करते हो, और अगर बिगिनर हो फास्टिंग के लिए, तो 16:8 मेथड बेस्ट है आपके लिए। गाइज, अगर आपको ये जानना है कॉफ़ी पीने से वेट लॉस कैसे होता है, उसके क्या फ़ायदे हैं, तो लेफ्ट वाला बॉक्स प्रेस कीजिए। और अगर आपको ये जानना है कि विदाउट एक्सरसाइज वेट कैसे कम करें, तो राइट वाला बॉक्स प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं, और अगर आप भी कर रहे हो, किसी को नीडफुल है तो शेयर।